हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। आज हम आपको भारत के एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जहां मामा शकुनी और दुर्योधन का मंदिर है और लोग यहां पर इनकी पूजा के लिए भी आते हैं। और इस शहर में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पुरुष प्रवेश करते ही महिलाओं में बदल जाते हैं। जी हां, और ये एक ऐसा शहर है जिसको दुनिया भर में कैशू कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण बहुत लोकप्रिय है और इस शहर में विभिन्न संस्कृति और विविधता देखने को मिलती है। यहां पर पहाड़, नदियां, बैक वाटर, समुद्र, झरने, सभी प्रकार की खूबसूरती देखने को मिल जाएगी आपको। प्रकृति तो एकदम जबरदस्त है और यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर भी देखने को मिलेगा और हर साल लाखों सैलानी इस शहर में घूमने के लिए आते हैं। गेस व्हाट। जी हाँ दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि केरल का एक बहुत ही खूबसूरत शहर कोल्लम है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं कोल्लम शहर के बेहतरीन सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, कोल्लम शहर अरब महासागर के तट पर बसा हुआ है जहाँ की कुल आबादी है लगभग 35 लाख। कोल्लम में कई धर्म के लोग रहते हैं। 56% आबादी के साथ सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। वहीं 22% इस्लाम धर्म को मानने वाले और 21% ईसाई धर्म को मानने वाले लोग कोल्लम में रहते हैं। कोल्लम में सबसे ज्यादा मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है और इस शहर की गिनती भारत के सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले शहरों में की जाती है। और यहाँ के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय गेस व्हाट, अरे यार 2.5 लाख के आसपास है। दोस्तों, कोल्लम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काली मिर्च। कोल्लम का पुराना नाम क्विलोन हुआ करता था। इसका इतिहास काफी पुराना माना जाता है। सैकड़ों सालों से ये व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। ये शहर मसालों और काजू के उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथ ही खारे और मीठे दोनों पानी की मछलियां भी यहां पर पाई जाती हैं। कोल्लम की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक नारियल और काजू उद्योग पर निर्भर करती है। सालाना 8 लाख टन काजू का उत्पादन कोल्लम में किया जाता है और काजू की 600 से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर लगी हुई है। साथ ही मसालों का उत्पादन भी यहां पर बड़ी मात्रा में किया जाता है। हालांकि धीरे धीरे कोल्लम में सर्विस सेक्टर भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। इंश्योरेंस, बैंक और अन्य कई कंपनियां कोल्लम में अपने ऑफिस खोल रही हैं। रोमन एम्पायर के समय में भी कोल्लम से बड़ी संख्या में मसालों का निर्यात किया जाता था। यूरोप के कई देशों में कोल्लम के मसालों की बहुत डिमांड थी। ये स्पाइस रूट का भी हिस्सा हुआ करता था और रोमन एम्पायर ने कोल्लम को एक व्यापारिक केंद्र का दर्जा दिया था। सिर्फ रोमन एम्पायर ही नहीं, चीन के साथ भी कोल्लम का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता था। चीन में कोल्लम के और कोल्लम में चीन के केंद्र भी खुले हुए थे। साल 2014 में केरल काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने कोल्लम बंदरगाह से कई चीनी सिक्के और चीनी मिट्टी के बर्तनों की खोज की थी। जी हाँ, जिससे ये बात साबित होती है कि मध्ययुगीन काल में कोल्लम और चीन के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध थे। इन्हें आप आज के समय में दूतावास की तरह मान सकते हैं। साल 1502 में पुर्तगालियों ने कोल्लम में आकर व्यापार करना शुरू किया। बाद में डच और अंग्रेजों ने भी कोल्लम में अपने पैर पसारे। 19वीं सदी की शुरुआत में कोल्लम के दीवान वेलु थंपी दलवा राज कर रहे थे और उनके और अंग्रेजों के बीच एक लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई सिर्फ 6 घंटे चली, जिसके बाद अंग्रेजों ने युद्ध में भाग लेने वाले सभी बागियों को मैदान में ही फांसी पर लटका दिया और त्रावणकोर के राजा के साथ संधि कर ली। अलग अलग शासकों के अधीन रहने के कारण कोल्लम की संस्कृति में विविधता देखने को मिलती है। अनेक देशों के लोगों के साथ कोल्लम के लोगों का संपर्क रहा है। दोस्तों, कोल्लम धीरे धीरे दक्षिण भारत का एक प्रमुख एजुकेशनल हब के तौर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार कोल्लम का लिटरेसी रेट 94% से ज्यादा है और पिछले एक दशक में इसमें यकीनन इजाफा भी हुआ है। केरल भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित प्रदेश है। कोल्लम का लिटरेसी रेट ज्यादा होने की एक वजह ये भी है कि कोल्लम में फातिमा मटा नेशनल कॉलेज, श्री नारायणा कॉलेज, केरला मैरिटाइम इंस्टीट्यूट और द इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जैसे कई प्रमुख कॉलेज और इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। कोल्लम शहर आयुर्वेद और चिकित्सा औषधियों के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। कोल्लम में सुरेश कुमार नाम के एक शख्स रहते हैं जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, लेकिन उनकी फिटनेस देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, सुरेश जी ने मास्टर्स कैटेगरी में मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले सुरेश मिस्टर कोल्लम का खिताब भी जीत चुके हैं और 1.5 दशक तक इन्होंने ये खिताब कायम रखा था। इतनी उम्र में ऐसा फिट रहना भाई बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपको तरह तरह के डिशेस ट्राई करना पसंद है तो कोल्लम का खाना आपको जरूर पसंद आएगा। यहाँ पर मछली, केकड़े, झींगों और स्किड्स जैसे ताजे सी फूड्स का स्वाद आप ले सकते हैं। स्टू को भी यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े चाव से खाया जाता है, जिसे चावल और कोकोनट मिल्क से तैयार किया जाता है। मीन पीरा, फिश मोइली, अप्पम, परिप्पू करी, नादान कोझी वरा थथु और करी मीन पोली चथु भी यहाँ पे बहुत लोकप्रिय डिशेज हैं और यकीन मानिए सबकी सब गजब की टेस्टी होती है, बस अगर आपका खाने का मन हो तो। दोस्तों, कोल्लम को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहना भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर साल भर में कई तरह के फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं। सालाना जून के महीने में ओचिरा काली का आयोजन किया जाता है, जिसमें तलवारबाजी प्रतियोगिता का
का आयोजन किया जाता है। कुल्लमपुरम का त्योहार आश्रम मंदिर में 10 दिनों तक मनाया जाता है। वहीं दिसंबर और जनवरी के दौरान क्राफ्ट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की शॉपिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मारामडी मालसरम एक प्रकार का बैल दौड़ कार्निवल होता है और ये भी कोल्लम में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इनके अलावा परिपल्ली गाजा मेला और पान मानापुरम आदि भी कोल्लम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं, जो पूरे देश से पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। यूं तो दक्षिण भारत में कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर बने हुए हैं, लेकिन कोल्लम में आपको सबसे अलग ही मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ के कोटन कुलंगरा देवी मंदिर में एक बहुत खास मान्यता है। इस मंदिर में पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके जाते हैं। 16 श्रृंगार से सज धज कर पुरुष इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और कई पुरुष इतने अच्छे से तैयार होकर आते हैं ना कि उन्हें देखकर किसी की भी आंखें धोखा खा जाए कि ये क्या इतनी खूबसूरत महिला। जी हाँ, कोटन कुलंगरा चमिया विलक्कू उत्सव के दौरान पुरुष ऐसा करते हैं। कहा जाता है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए पुरुष एक महिला का रूप धारण करते हैं। अच्छी नौकरी और अच्छी पत्नी की मन्नत यहाँ पर बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और रात के समय महिलाओं के वेश में सभी पुरुष हाथ में पारंपरिक दिया लेकर वाद्य यंत्र के साथ मंदिर तक शोभा यात्रा भी निकालते हैं। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पर मामा शकुनी का मंदिर भी काफी लोकप्रिय है। ये तो हर कोई जानता है कि शकुनी गांधार के राजा और कौरवों के मामा थे और ऐसा माना जाता है कि शकुनी के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। मामा शकुनी के मंदिर में लोग नारियल और रेशम के साथ साथ ताड़ी भी चढ़ाते हैं। तांत्रिक क्रियाओं में सफलता पाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। इस मंदिर में एक पत्थर भी रखा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार मामा शकुनी ने विद्या सिद्ध करने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल किया था। आप कुल्लम में जी भर कर शॉपिंग कर सकते हैं। ढेरों टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स का सामान, ज्वेलरी जैसी चीजें आप अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ले सकते हैं। कुल्लम में शॉपिंग के लिए आप कवनद मार्केट, रमन कुलंगरा मार्केट, थंगसेरी मार्केट जैसी जगहों पर जा सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको कोल्लम के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं, जहां आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। यकीनन इन जगहों के बारे में जानने के बाद आप कोल्लम को अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन की विश लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जटायु अर्थ सेंटर की, जो सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। यहाँ पर जटायु की एक विशाल काय मूर्ति बनाई गई है, जो विश्व में किसी पक्षी की सबसे बड़ी मूर्ति भी है। इस मंदिर की लंबाई 200 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। वहीं इसकी ऊंचाई करीबन 70 फीट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तो जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी और जटायु ने ही भगवान राम को बताया था कि रावण माता सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है। जटायु अर्थ सेंटर समुद्र से करीबन 1000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। यहाँ पर आप केबल कार, पेंट बॉल, आर्चरी, बोल्डरिंग, रॉक क्लाइंबिंग और एयर राइफल शूटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ ऑडियो वीडियो डिजिटल रूम भी बनाया गया है, जहां जटायु की कहानी भी दिखाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस म्यूजियम भी आप कोल्लम में एक बार जरूर देखने जाइए। यहां 18वीं और 19वीं शताब्दी में पुलिस और सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, उपकरण और कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। कोल्लम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण विख्यात है। कोल्लम बीच में आप सुकून के पल व्यतीत कर सकते हैं। जेट स्कीइंग, बोटिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। कोल्लम बीच पर सनसेट और सनराइज के खूबसूरत नजारे भी आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अष्टमुड़ी लेक भी कोल्लम में आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ये झील कोल्लम के 30% हिस्से को कवर किए हुए है। पाम और नारियल के पेड़ यहाँ पर बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। पलरुवी वाटरफॉल कोल्लम का एक प्रसिद्ध झरना है। यहाँ पर 300 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। कहा जाता है कि इस झरने के पानी में आयुर्वेदिक गुण मौजूद है, जिससे स्नान करने से कई प्रकार की बीमारियों में राहत मिलती है। करुणाकपल्ली की खूबसूरती भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जी हाँ, यहाँ रिलैक्स करने के लिए कई रिसोर्ट बने हुए हैं। ये जगह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक आस्था का केंद्र भी है। यहाँ बना कृष्णापुरम पैलेस भी आप देखने जरूर आइएगा। थेवली पैलेस त्रावणकोर के महाराज का घर हुआ करता था। इसका निर्माण महाराज की बेटी ने कराया था। महल में पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश वास्तुकला का खूबसूरत काम आपको देखने को मिलेगा। कोल्लम में कई प्राचीन मंदिर भी मौजूद हैं। इसके अलावा मायनाड एक ऐसी जगह है जहां कई मंदिर, मस्जिद और पुराने चर्च बने हुए हैं। कोल्लम में सेंट थॉमस द्वारा बनाए गए 7 चर्च में से एक चर्च बना हुआ है। साथ ही मलिक दिनार की 10 सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक मस्जिद भी कोल्लम में मौजूद है। और कोल्लम में घूमने लायक अन्य जगहों में पुनालूर सस्पेंशन ब्रिज, तेनमाला डियर पार्क, कुलाथु पुजहा, थिरुमुल्लापुरम बीच, मुनरो आइलैंड आदि शामिल हैं। दोस्तों कोल्लम के सबसे निकटतम एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि शहर से करीबन 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोल्लम रेल मार्ग के जरिए भी भारत के सभी राज्यों और शहरों से जुड़ा हुआ है। कोल्लम जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच माना जाता है। अगर आपको कोल्लम शहर को करीब से जाना है, तो कम से कम 4 से 5 दिनों का समय अपने साथ लेकर चलें। कोल्लम के साथ आप केरल के कई अन्य खूबसूरत
जगहों को भी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत का बहुत ही खूबसूरत शहरों में से एक कोल्लम। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से कोई कोल्लम से है या फिर केरल से है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कोल्लम की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और अगर आप कभी कोल्लम गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।